हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ द पॉजिटिव नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन ए पी देन ए बी सी कॉमा ए बी डी कॉमा ए सी डी कॉमा बी सी डी आर। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अगर हमारा ए बी सी डी ए बी सी कॉमा डी हमारे क्या पॉजिटिव नंबर है और ये हमारे क्या है, अगर एपी में है, ये किसमें है, एपी में है, तो यहां से क्या होगा, वन अपॉन ए कॉमा वन अपॉन बी कॉमा वन अपॉन सी कॉमा वन अपॉन डी, ये किसमें हो जाएंगे, हमारे एचपी हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एपी होता है, जो हमारा एपी होता है वो हमारे क्या होता है, एचपी का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे एपी क्या होता है, एचपी का रेसिप्रोकल होता है, और एचपी एपी दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर एचपी हमारा है तो एपी हमारा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अगर एपी है तो एचपी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो यहाँ पे इस की कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन गिवन है, गिवन है कि ए बी सी कॉमा ए बी डी ए सी डी कॉमा बी सी डी, बी सी डी अगर हम इसमें ए बी सी में हम बी का मल्टीप्लाई करें और डी का डिवाइड कर दें, ए बी डी में हम सी का मल्टीप्लाई करें सी का डिवाइड कर दें, ए सी डी में हम बी का मल्टीप्लाई करें बी का डिवाइड कर दें, बी सी डी में हम ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए का डिवाइड कर देंगे। तो यहां से क्या होगा, हम ए बी सी डी को लेट ए बी सी डी को हम के लेट कर लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, के अपॉन डी कॉमा के अपॉन सी कॉमा के अपॉन पी कॉमा के अपॉन ए, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा किसमें है, पॉजिटिव नंबर है, और किसमें है, ये एपी में गिवन है, ये हमारा किसमें, आर इन एपी, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये ए बी सी डी हमारा एपी में है तो यहां से क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए कॉमा वन अपॉन बी कॉमा वन अपॉन सी कॉमा वन अपॉन डी, तो यहां से ये किसमें हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी वन अपॉन डी हमारा एचपी में है, तो यहाँ से अगर हम के का कोई के ले लेते हैं, तो के का हम अगर ए में मल्टीप्लाई कर दें बी में कर दें वन अपॉन बी में कर दें और वन अपॉन सी में कर दें और वन अपॉन डी में कर दें, तो ये भी किसमें हो जाएंगे, हमारे एचपी में हो जाएंगे, क्योंकि नंबर्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से अगर के अपॉन ए के अपॉन बी के अपॉन सी के अपॉन डी हमारा एचपी में है, अगर हमने क्या, हमने के लिए लेट किया था, यहाँ पे क्वेश्चन में हमने के लेट किया था ए बी सी डी, तो यहाँ पे अगर हम के की जगह ए बी सी डी को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसको हम अरेंज कर देंगे, रीअरेंज कर, यहाँ पे क्या करेंगे, के अपॉन डी कॉमा के अपॉन सी के अपॉन बी के अपॉन ए, ये भी क्या आ जाएंगे, हमारे एचपी में आ जाएंगे। हमने क्या किया, आर इन एचपी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो एक इक्वेशन थी, ये हमारा क्या है, के अपॉन डी है, के अपॉन डी ये क्या है, हमारा एचपी में है, तो अगर इसको रीअरेंज कर देंगे तो वो भी हमारा एचपी में हो जाएगा। तो यहां से हमने रीअरेंज कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, के की जगह हम ए बी सी डी को लिख देंगे, तो ए बी सी डी अपॉन में डी, ए बी सी डी अपॉन में सी, ए बी सी डी अपॉन में बी, ए बी सी डी अपॉन में ए, ये भी किस में हो जाएंगे, हमारे एचपी में हो जाएंगे। यहां से हमारा डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी सी, यहाँ हमारा सी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, हमारा ए बी डी,
यहाँ हमारा अगर बी भी कैंसिल हो जाए तो यहाँ क्या बचेगा, ए सी डी, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा बी सी डी। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आया, ये किसमें हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे आर एन एचपी में, एचपी में। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो ए बी सी कॉमा ए बी, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी डी होगा, यहाँ पे ए बी डी आ जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे ए बी डी कॉमा ए सी डी कॉमा बी सी डी, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था बी सी डी, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो ये हमें, ये किस में आ जाएंगे हमारे, एच बी में आ जाएंगे, ये एक्सप्रेशन हमारे किस में आ जाएगा, एच बी में आ जाएगा। और हमें यही प्रूफ करना था, ये हमें पता करना था ये किस में है, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, राइट ऑप्शन किस में हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये हमारे एचपी में हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।